नमस्कार भैया बहनी, अपना परिचय देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। युवा समाज सेवी और पहले के सेमरिया के विधायक रहे नीलम अभय मिश्रा के बेटा वकील विभूति नारायण मिश्रा मंदबुद्धि बच्चन खातिर खुल के सामने आए। हम इधर की मिश्रा ने रिपीट इधर की श्री मिश्रा 4.5 लाख रुपया के आर्थिक सहायता दई के एनजीओ के माध्यम से मानसिक कमजोर बच्चन के मदद खातिर आगे आए हैं। अपने को बता दी कि ये पैसा के इस्तेमाल पेपर बैग बनावे वाली मशीन का खरीदे में खर्च की जाई, जौने से ये पैसा राजरानी एनजीओ का दीन गा है। जौन एनजीओ मंदबुद्धि बच्चन खातिर शिक्षित करे के साथ साथ उनका सामाजिक धारा से जोड़े के काम करा थबे। ये मदद से जहां नगर निगम का पॉलीथिन से मुक्त बनावे में सहयोग मिली, वहां बच्चन का रोजगार और कुछ नया सीखे का मिली। सर, ये हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो ये बहुत बड़ी पहल है और मेन है कि उन्होंने अपना उत्साह दिखाया और उन्होंने जो पैसा लगाया है तो उसमें अब हम लोग आगे का काम करेंगे। इसमें मशीन लेंगे, मशीन से ही, और उन्हें जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने सोचा है। संजय गांधी अस्पताल माही जहां साइकिल के स्टैंड में मरीजन के परिजन के साथ जम के मारपीट भय वहाँ एक महिला के मोबाइल का बदमाश छुड़ा के भाग गए। अपना बताया दी कि संजय गांधी अस्पताल माही सुरक्षा के व्यवस्था निजी सिक्योरिटी कंपनी का दीन गई है, जो उन्हें के कर्मचारी खाली अवैध वसूली करा थमा और सुरक्षा के नाम पर मरीजन के साथ आए दिन वहाँ लूटपाट की घटना होत रहती हमा। जहाँ सगरा के रहे वाली संगीता रावत के हाथ से मोबाइल छुड़ाए के बदमाश भाग निकला। पीड़िता के मानी तो वहाँ आस पास सुरक्षा कर्मी रहे, लेकिन केवो का पकड़े के प्रयास नहीं करें। पीड़ित शोर शराबा मचाई पर आरोपी वहां से भाग निकला, जो ने की जानकारी बाद में अपने परिजन का दी तो जाए के घटना के शिकायत थाना में दर्ज कराई नहीं बे। अपना का सुनाई थे पीड़ित महिला का बताई नहीं बे। मेरा फोन गुम गया है, मम्मी का इलाज कराने आई, मेरे मम्मी के हाथ से मोबाइल छीन गया। कौन छीना है आपके मम्मी? हाथ से छीन लिया है। बुलेटिन की अगली खबर रही जिला के हनुमाना से, जहां विद्युत मंडल के कर्मचारी रंजीत कुमार अपने साथ अभद्रता और खुद का बंधक बनावे के आरोप लगाई है। अपने बताए दी कि कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार बताइन के बंसल कंपनी जोने के कार्यालय अर्जुनपुर हनुमाना में है, वहां के मैनेजर अपने साथ पावर विद्युत कनेक्शन का विच्छेद कराए वाले कार्यालय में ही आवेदन दिए रहे हम। पर आवेदन पर कार्रवाई खातिर जब जेई अर्जुनपुर पहुंचे और प्लांट के भीतर जाए के दिखिन तो सड़क निर्माण के समय जो लोहे के बड़े बड़े विद्युत पोल उखाड़े गए रहे हैं ओके साथ है और चीजन जो कई लाखन रुपये के बताई जा रही है ओका बंसल कंपनी के कर्मचारी अर्जुनपुर के प्लांट में ही लुकाए रहे हम। ये मामला में बात करे चाहे तब वहाँ मौजूद मैनेजर और उनका सहयोगी कर्मचारी के साथ अभद्रता करी और उनका बंधकों बनाए लेन। सरकार की संपत्ति आप रखेंगे? हम नहीं जानेंगे। नहीं, मैं क्योंकि मैं ये चीजें देखने जब आज इनकी डिसमेंटल जैसे सॉरी जो कनेक्शन जो इन्होंने लिया था 7 किलोवाट का, तो जब ये परमानेंट डिस्कनेक्ट करने आए कि आज हमारे ऑफिस में सूचना दिए, तो मैं जब देखने आया तो ये मुझे मालूम चला कि हमारी बहुत सारी सामग्री ही यहाँ पड़ी हुई अगर है। अगर आप ना आते तो लेके चले जाते। हाँ, लेके ये चले जाते। जहाँ जरूरी चिकित्सा के सुविधान का बढ़ावे खातिर लगातार प्रयास करे वाले मुख्य चिकित्सा के अधिकारी बीएल मिश्रा मऊगंज के सिविल अस्पताल में पहुंचे, जहां कोरोना के बढ़त संक्रमण के आशंका का देख के ओके रोकथाम खातिर किशोरन का जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन में जोर दिन। वहीं CMHO कोविड वार्ड और प्रसूति वार्ड और कार्यालय के व्यवस्था के जायजा लिहिन, साथ में ऊपर संतोष जताई नहीं बे। पर्याप्त व्यवस्था है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में है और हमारे चिकित्सकों को भी हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन स्वतंत्र रूप से एम्स के माध्यम से ट्रेनिंग करवाते हैं वर्चुअली और फिजिकली भी बुला कर देते हैं ट्रेनिंग और रेफर करने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सारा हमारा जिला अस्पताल से लेकर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी हमारी तैयारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल माही सूदखोरन से तंगाए के एक परिवार आत्महत्या के लिए रहा, जोने के बाद से अब रीवा पुलिस सूदखोरन के खिलाफ सख्त हो गई है।
पिछले दिन कोतवाली बिछिया थाना क्षेत्र में ही आधा दर्जन लोगन के खिलाफ मामला दर्ज किएगा जौने में गिरफ्तारी भई है। वहाँ अमैया के पुलिस छोटी दरगाह के नियर मुगौड़ी के दुकान से चले वाली सूदखोरी के कारोबार व मगन आधा दर्जन से अधिक लोगन के खिलाफ मामला दर्ज करी नहीं है। यह कार्रवाई अजय कुमार सोधिया पिता श्याम कुमार सोधिया जो खन्ना चौराहा सम्राट होटल के पीछे रहे वाले रहे उनके शिकायत पर भई है। पहले के समय में ही माता पिता के एक आदेश माँ लड़का बच्चा सब कुछ करे का तैयार हो जाते रहे, लेकिन आज कुछ संतान ऐसे है जौन अपने शादी के बाद अपने माता पिता के तरफ से आंखी फेर लेती हैं। ज्यादातर अब संतानन के एकमात्र उद्देश्य यह रहेगा है कि कौनो मेर से अपने माता पिता के संपत्ति पर कब्जा कर ले और उसके बाद उनका घर से निकाले और उन पर अत्याचार करे के अलावा उनका दर दर के ठोकर खाए का मजबूर कर दे थमा। ऐसने कुछ हो रहा है रीवा के पड़रा में रहे वाले विश्वनाथ पाणे और उनकर पत्नी के साथ जो उनके अपने लड़का के सताए हमा और न्याय खातिर पिछला 3 महीना से कलेक्ट्रेट के चक्कर काटत ला हमा। पर वो कहावत कहा था हमारा कि घर कुट की तब बन मछे, जौने के अर्थ यह है कि अगर घरे में सुख नहीं आए तब बाहर के दुखन के तो कोनो अंदाजे नहीं लगाए जा सके। अपने लड़का संतोष और बहू स्नेह लता के इतना सताए हमा के प्रशासन से गुहार लगाई पर प्रशासन सुनवाई के तारीख दे के अपन पल्ला झाड़ लेत हवे। दादा बताइए समस्या है? अपनी समस्या आप बताइए। समस्या पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। विश्वनाथ पांडे। कहाँ से हैं आप? मुंबई पड़रा। यहाँ पे कितने समय से कलेक्टर के पास से आ रहे हैं आप? 2-3 महीने से आ रहे हैं। 2-3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं है, बुलाते हैं चले जाते हैं। और मांग क्या है आपकी? मांग क्या है आपकी? क्या चाहते हैं आप? न्याय क्या न्याय चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि उसको हम दे दिए हैं, अब हमें खाना खुराक दे। बड़े बेटे को? बड़े बेटे का नाम बता दीजिए। संतोष पांडे। लड़ाई दंगा करे तो चला भी जाए। सभी प्रॉपर्टी आप उनके नाम करा दिए हैं? नहीं सर। घर का बंटवारा? घर का नहीं कराए हैं। प्रॉपर्टी माता जी के नाम है? माता जी के नाम है जमीन जायदाद? क्या क्या है? और फिर भी खाने को नहीं देते? अब क्या दें, लड़ाई दंगा करते हैं। हम अपना वो कर दिए लेकिन वो क्या होने नहीं देते। जबरदस्ती तीसरा हिस्सा जमीन ले लिया है, धमकी देते। तो बहू ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, बहू का नाम बता दीजिए। स्नेह लता ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपके खिलाफ। क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हम देवर की नौकरी छोड़ा देंगे। तो भैया भाई नहीं, आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में ही समाचार सुनाई के लाने देखत रही हम अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।